हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नोट्स ऐड करने की फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे। अगर मैं ब्राउजर पे चलता हूँ तो ये जो हमारा नोट्स लिस्ट पेज है, यहाँ पर एक बटन आएगा ऐड का, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी एसेट फोल्डर में रखा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप गिटहब लिंक पे जाके, मेरी गिटहब लिंक पे जाके ये जो बटन है उसको डाउनलोड कर लेना और एसेट फोल्डर में डाल देना। हमें आना होगा notepage.js में, और यहाँ पर ये एरो जो लेफ्ट है उसके बाद यहाँ पर मैं एक कंडीशन डालूंगा, क्योंकि अगर मैं नोट पेज पे हूँ जो क्रिएट करने वाला है, ठीक है, अभी हम एक कस्टम कंपोनेंट बनाएंगे तो पेज क्रिएट करने के लिए, तो अगर मैं उस पेज पे हूँ तो वहाँ पर मुझे ये डिलीट का जो है बटन आइकन नहीं दिखना चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। सो मैं लिखूंगा notID इज नॉट इक्वल टू न्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो एक टर्नरी ऑपरेटर लेंगे और यहाँ पर मैं ये जो बटन है उसको ऐड कर दूंगा। इसको कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये बटन दिखना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ पर देंगे डन, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ओके। और अभी एक हम कस्टम कंपोनेंट बनाएंगे बटन के लिए। सो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, सॉरी ये मैंने क्लिक कर दिया गलती से। सो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं दूंगा एड बटन डॉट जेएस, और यहाँ मैं लिखूंगा RAFCE, प्रेस टैब, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना होगा लिंक कंपोनेंट को। सो लिंक फ्रॉम रिएक्ट आउटर डॉम, और इसके बाद मुझे बटन भी लगेगा। सो इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट एस एड आइकन फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश एड SVG, ठीक है, एड डॉट SVG। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिव की जगह पे मैं ले लूंगा लिंक कंपोनेंट, ओके। और लिंक कंपोनेंट को हम लिंक करेंगे टू स्लैश नोट स्लैश न्यू, ठीक है ना, ये उसका लिंक हो जाएगा। यहाँ पर वो रिडायरेक्ट करेगा उसके बटन पे क्लिक, ठीक है। तो वहाँ पर वो डिलीट वाला बटन जो वो शो नहीं करेगा इस वाले पेज पे। सो एड आइकन हो गया, और यहाँ पर मैं वो एड आइकन डाल दूंगा, ओके। और यहाँ पर एक क्लास नेम आएगा जिससे हमें बटन शो होगा। सो फ्लोटिंग, ये ऑलरेडी मैंने CSS बना के रखी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, फ्लोटिंग बटन, ठीक है। सो ये हो गया अपना काम, और अभी आना होगा नोट्स, सॉरी नोट नहीं, नोट्स पेज पे, ओके। और यहाँ पर मुझे वो बटन इंपोर्ट करना होगा। सो मैं लिखूंगा इंपोर्ट एड बटन फ्रॉम कंपोनेंट एड बटन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो नोट लिस्ट का डिव है वो जो क्लोज होता है वहां पर मैं ये एड बटन ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ, और अभी ब्राउजर पे चलते हैं तो आपको यहाँ दिख जाएगा एड बटन। इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला URL पे जाता है वो जो हमने लिंक किया था, और यहाँ पर डिलीट वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ से हम ऐड करेंगे अपनी नोट्स। अभी क्या करना होगा, अब मुझे एक चीज आपको दिखानी थी इंस्पेक्ट करके। अगर मैं नेटवर्क टैब पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करूँगा, कुछ एरर तो नहीं हो रहा है कंसोल पे, तो राउट्स लोकेशन ये सब ठीक है, नेटवर्क पे गया, ठीक है। इसे मैं बंद करता हूँ। मुझे एक एरर आ रहा था नेटवर्क में, तो उसको अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जाना होगा नोट पेज डॉट जेएस पे, और यहाँ पर जहाँ पर हमने ये लिखा है गेट नोट, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूंगा, सॉरी मैं एक कंडीशन लूंगा, इफ notID इज इक्वल टू न्यू तो रिटर्न कर दे, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, और अभी एक बार फिर से
इंस्पेक्ट करेंगे, देखते हैं वो एरर आ रहा है कि नहीं। ये वाला नहीं, नेटवर्क पे आ रहा था एक्चुअली, मुझे अभी नहीं आ रहा है। ठीक है सेकंड, मुझे बैक जाने दे। एक कंडीशन को मैं एक बार प्रिंट आउट करता हूँ और उस पेज पर चेक करता हूँ, नहीं तो इश्यू नहीं है। अगर मैं ऐड पे जाता हूँ वो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है रहने देते हैं कंडीशन, ठीक है आप भी डाल देना। ये हो गया हमारा। ओके अभी एक मेथड क्रिएट लिखनी पड़ेगी, क्रिएट करने के लिए, जैसे ये अपडेट है डिलीट है ऐसे क्रिएट करने के लिए भी एक मेथड लिखनी पड़ेगी। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिएट नोड। ओके ये सब आईडी की जरूरत नहीं है हमको, इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पर डिलीट की जगह पे पोस्ट आ जाएगा, ये सब सही रहेगा। और यहाँ पर मुझे रिपोर्ट चाहिए तो बस को कॉपी कर लेता हूँ। जब भी क्रिएट करेंगे तो डेट भी अपडेट हो जाना चाहिए, सो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और क्या नेविगेट तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और अभी हैंडल सबमिट में और एक एल्स इफ कंडीशन आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एल्स इफ। और यहाँ पर मैं लिखूंगा नोट आईडी इक्वल्स टू, अगर न्यू है ठीक है, और एक कंडीशन डालेंगे एंड नोट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है ना, अगर नल नहीं है, जैसे यहाँ पर इनिशियली ये नल होता है ठीक है, तो नोट अगर नल नहीं है और अगर नोट आईडी न्यू है तो हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे जो क्रिएट नोट ये वाली मेथड पे कॉल करेंगे। ओके सो ये हो गया। और क्या करना था, ठीक है बटन पे भी हम ऑन क्लिक लिख देते हैं, ऑन क्लिक, सॉरी ऑन क्लिक मेथड है हैंडल सब में। ठीक है जो हमने एरो पे दी थी वही सेम इस पे भी देनी है। तो अभी यहाँ पर हम नोट क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, बैक जाता हूँ एक सेकेंड, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ चलते हैं, कुछ टाइप करिएगा। क्या गड़बड़ कर दी मैंने, ऐड बटन कंडीशन तो सही थी, क्रिएट नोट ऑन होगा। ठीक है 2 मिनट मैं जरा चेक कर लेता हूँ। सो गाइस मुझे फिक्स मिल गया, यहाँ पर जो एड बटन डॉट जेएस में हमको यहाँ पर नोट की जगह पे नोट्स लिखना होगा, इसको मैं सेव करता हूँ। और अभी चलते हैं ब्राउजर में और चेक करते हैं। सो मैं अगर ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये यह आ जाता है नोट्स पे, बट आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे एक एरर आ रहा था जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है ओके देखो ये 404 आ रहा है, पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर ये पार्ट इसको नहीं मिल रहा है 404। इसके लिए मैंने कंडीशन डाली थी बट वो कंडीशन में एक चेंज आएगा, यहाँ पर न्यू पेज पे है वो कंडीशन। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिटर्न किया था तो नोट आई डी डॉट आई डी लिखना होगा। ठीक है क्योंकि नोट आई डी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी आ रहा है तो वहां पर हमको ये इसलिए डॉट आईडी डालना कंपलसरी है। ठीक है अगर मैं आपके कंसोल करके दिखाऊंगा तभी आपको शायद समझेगा ये चीज, और मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज समझो। नोट आईडी तो मैं सेव करता हूँ तो आपको देखिएगा नोट आईडी क्या है, एक ऑब्जेक्ट बन के उसके अंदर आईडी है, तो नोट आईडी डॉट आईडी डालना हमको कंपलसरी है। नोट आईडी डॉट आईडी डालेंगे तब जाके ये कैच करेगा उसको। ठीक है सो अभी मैं ये कंसोल निकाल देता हूँ और अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँगा तो सारे एरर्स जो है वो चले जाएंगे। ठीक है और दूसरी चीज़ जैसे मैं बैक करूँगा तो एरर आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर भी हमको नोट आईडी डॉट आईडी डालना है। ठीक है उस ऑब्जेक्ट के अंदर है ये मैंने मिस कर दिया था सब जगह से, तो सब जगह पे डालना होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे भी डालना होगा नोट आई डी डॉट आई डी। और मुझे कहाँ पर डालना पड़ेगा नोट आई डी डॉट आई डी, यहाँ पे भी डॉट आई डी। ठीक है जब भी आईडी चेंज होगा तब ये यूजर पे डन होगा।
तो अभी ये सही चलेगा, मैंने एक ऐड किया था तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देखो ये काम कर रहा है। ठीक है, ऐड करूँगा तो ऐड हो जाएगा हेलो, और अगर डन पे क्लिक किया तो भी ऐड हो जाएगा। इसको चेंजेस करते हैं, हाय, और बैक किया तो भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा निकाल लोगे तो भी ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, हमको नोट्स ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, और कोई एरर भी नहीं आ रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, सो हमारी जो क्रेडिट फंक्शनैलिटी है वो पूरी हो गई है, ऐड अपडेट डिलीट की। अभी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा क्लीन अप कर लेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो अगर बनाता हूँ तो उस पर थोड़ा सा क्लीन अप कर लेंगे, देखता हूँ मैं जैसा। लेकिन ये ऐप तो रेडी हो गया। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट में, बाय।